हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन दिस चैनल एंग्लर जोन एंड फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज टू रोमांटिक एरा यस रोमांटिक एरा से लेकर के जो आपके न्यू क्लासिकल एज का जो स्टार्टिंग है उससे लेकर के रोमांटिक एरा के जो इम्पोर्टेंट एंड मेजर ऑथर्स हैं एंड उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स का हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इन वीडियोज में आप देखोगे कि किस तरीके से मैंने अलग अलग एज के जो राइटर्स हैं ऑथर्स हैं उनके पब्लिकेशन ईयर्स उनके वर्कस के पब्लिकेशन ईयर्स के साथ में उन सबको यहाँ पर मैंशन कर रखा है इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो आपका एग्लो से लेकर के आपका जो पीरियड था वो मिडिल एजेस तक के राइटर्स को हमने उस वीडियो में कवर किया था बट यहाँ पे न्यू क्लासिकल टू करेंगे इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा इसी सीक्वेंस में वो हमारा होगा विक्टोरियन एरा से लेकर के पोस्ट मॉडर्न एरा तक के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क का हम डिस्कशन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो

जिनका टाइम ड्यूरेशन 168 से लेकर के 1608 से लेकर के 1674 तक का है एंड पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एग्ोनिस दीस आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द टाइम और कंपोज्ड ड्यूरिंग द टाइम एंड इवन यू कैन से दिस वाज पब्लिश इन द ईयर व्हेन रेस्टोरेशन एरा वाज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1667 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क है पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम है प्लीज आप इसको नोट डाउन भी करते चलो अपने नोट्स में क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर या इसके साथ में ही उस वर्क के इम्पोर्टेंट वर्क के जो इंपॉर्टेंट डेट है किस ईयर में पब्लिश हुई है या किस ईयर में लिखा गया है ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है सो so दैट आपके लिए बहुत ही ईजी हो यू कैन गो फॉर दी फुल डिटेल्स रिलेटेड टू दोर एग्जाम्स एंड रिलेटेड टू योर सिलेबस नेक्स्ट हम बात करते हैं सैमो सैमुअल बटलर की इनका जो तो टाइम ड्यूरेशन था सिक्सटीन सिक्स ट्वेल्व से लेकर के सिक्सटीन एटी तक का है Brass, 16, में पब्लिश हुआ है इट इज़ अ सटायर इन वर्स फॉर्म नेक्स्ट वी हैव जॉन बर्नियन जॉन बर्नियन वी हैव सिक्सटीन ट्वेंटी एट से सिक्सटीन एटी एट का टाइम ड्यूरेशन इनका है दिस वॉज द ईयर म्स प्रोग्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, 1678 में हुआ है prose. Yes, prose का ये फेमस एलेगरिकल वर्क है में लिखा गया है द होली वॉर इट इज एल्सो एलेगरी इन प्रोज वर्क सोन जॉन बर्नियन की हम जो इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो पिलग्रम्स प्रोग्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ जॉन बनियन विच ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट भी है That is William Congreve, 1670 to 16, 1729, the way of the world and the double dealer. These are the important works written by William Congreve, and he was the writer. He was the literary figure belonged to the Restoration era. Next, we have John Dryden. John Dryden, very important literary critic of English literature, 1631 to 1700. This is the time duration of.

फिलोसोफर, पोलिटिकल फिलोसोफर, वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर एंड उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था इनका टाइम ड्यूरेशन 1632 थर्टी टू टू सेवनटीन हंड्रेड एंड फोर है एंड इम्पोर्टेंट वर्क एंड एस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिक्सटीन नाइनटी में ये वर्क इनका लिखा गया है एंड जॉन लॉक जिनको एक इम्पोर्टेंट आप पर्सनैलिटी बोल सकते हो और बोल सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटेड

न्यो क्लासिकल एरा और न्यो क्लासिकल पीरियड में ये काउंट होता है एंड अगस्टन एरा के इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात करें या इसके लिटररी फिगर की बात करें तो हमारे पास जो है दैट इज एलेक्जेंडर पोप येस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट एंड यू कैन ऑल्सो से ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक एंड रेप ऑफ द लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है इनका दैट इज रिटन ऑन दैट इज मॉक पोएम इट इज़ अ

अगस्टन एज के इम्पोर्टेंट जो पोएट है या आप कह लो रिप्रेजेंटेटिव पोएट दैट इज अलेक्जेंडर पोप एंड अलेक्जेंडर पोप ने अपने जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं ही हैड रिटेन ड्यूरिंग दिस टाइम इन दै नेक्स्ट बात करते हैं जनथन स्विफ्ट की एंड सिक्सटीन सिक्सटी सेवन टू सिक्स दिस इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ

नेक्स्ट बात करते हैं एंड जोसेफ एडिशन एंड स्पेशली ये जो एरा था ये जो टाइम था अगस्टन नेरा का फ्रेंड्स वो था इसमें प्रोज वर्क्स ज्यादा लिखे गए थे एंड प्रोज वर्क स्पेशली आप देखो इस टाइम पे जो एटीन सेंचुरी का ये स्पेशली टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज रिलेटेड टू दी आप ये बात कर लो कि जो वहाँ पे कॉफी हाउसेस जो हुआ करते थे जहाँ पे जॉन सेफ्ट एंड एडिशन जोसेफ एडिशन आप इन सब इंपॉर्टेंट रो लिट्ररी फिगर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और प्रोज इम्पॉर्टेंट जॉनर ऑफ दिस टाइम एंड जोसेफ़ एडिशन की अगर हम बात करते हैं द एक्सपेक्टेटर ये आपका पेरियोडिकल पेपर था एंड फ्रॉम सेवनटीन टू सेवनटीन ये पब्लिश हुआ है इस टाइम ड्यूरेशन में नेक्स्ट बात करते हैं हम डेनियल डिफो अब यहाँ पे हम प्रोज वर्क की में ही पाते हैं यहाँ पे नोवेल इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्सटीन फिफ्टी नाइन टू सेवनटीन थर्टी वन रॉबिन्सन क्रूजो दैट वॉज पब्लिश इन द ईयर हंड्रेड एंड नाइनटीन नेक्स्ट वी हैव सैमूअल रिचर्डसन बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल उन्होंने लिखी है दैट इज़ पामिला पामिला और वर्चुअल रिवॉर्डेड दिस इज द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क पामिला वर्चुअल रिवॉर्डेड जो है वो सब टाइटिल है इस वर्क का एंड सिक्सटीन एटी नाइन टू सेवनटीन सिक्सटी वन दिस इज द टाइम ड्योरेशन ऑफ सैमुल रिचर्डन एंड पामिला वर्चुअल रिवॉर्डेड इज पब्बलिश इन द ईयर सेवनटीन फोर्टी दिस इज़ द थाट टू बी द फर्स्ट मॉडर्न नावल ऑफ उसके कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे सामोल रिचर्डसन ने यूज करा हुआ है जो भी इसपे बातें की हुई है दैट मेक्स दिस नॉवेल द फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल नेक्स्ट वी हैव

Henry Fielding, that is Joseph Andrews. And also we have the four wheels of English novel during this time Henry Fielding, Samuel Richardson, Thomas Turn, and Tobias Smollett. फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल से रिलेटेड आपको एक वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगा जो कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में वहाँ पर डिस्कशन किया है कि वाई हुर द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल एंड वॉट ही दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लिटरेचर वी आई हैव ऑल डिस्कस दैट थिंग्स इन दैट परिकुलर वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो फ्रेंड्स अदर वीडियोज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा

बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डिक्शनरी 1755 में ये पब्लिश हुआ है एंड प्रोफेस टू दी शेक्सपियर 16 six, uh, 1765 का ये एप्लीकेशन वर्क है दैट इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन लिटरेरी क्रिटिक ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी और यू कैन से ऑफ 18 सेंचुरी नेक्स्ट वी हैव ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 टू 1740 सेवनटीन सेवेंटी फोर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड सेवनटीन फिफ्टी नाइन में ये वो पब्लिश हुआ है एंड द विकॉर्ड ऑफ़ द वीक वील बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क वर्क है ऑल ओवर गोल्ड स्मिथ का सेवनटीन सिक्सटी से इसका ड्यूरेशन था ये टाइम इस टाइम पर यह लिखी गई है एंड ऑल्सो नेक्स्ट वी हैव इन दिस एज दैट इज थमस ग्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट Work है इनका जिसको हम पेस्टोरियल एल एजी के जानते हैं इम्पोर्टेंट वर्क डैट बिलोंग टू देंसिबिलिटी एंड ऑल्सो सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमांटिक एरा की एंड रोमांटिक एरा फ्रॉम से एटीन थर्टी टू दिस इज द टाइम डोरेशन ऑफ रोमेंटिकरा एंड जब हम बात करते हैं रोमेंटिकरा की तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है लिरिकल बैलेट्स ये लिरिकल बैलेट दिस वाज पब्लिश इन द ईयर 1798 द कोलेबरेशन वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरेज जिसमें उन्होंने अपने पोएम्स कंट्रीब्यूट किए हैं उनका कोलेबरेशन वर्क था एंड मोस्ट ऑफ द पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ दैट वॉज इंक्लूडेड इन द Lyrical Ballads, Lyrical Ballads, which in 1798 98 published, and with this publication, Lyrical Ballads, the Romantic era is thought to be started. And uh, we have this William Wordsworth, the important poet of this time, from 1770 to 1850. This is the time duration. And William Wordsworth was the Poet Laureate of English. By, uh, he was uh, appointed as the Poet Laureate by English administration and English government. लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुआ है प्रिलूड 1850 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है प्रिलूड जो 1850 में इनका पब्लिश हुआ है एंड आल्सो अदर प्री पोएम्स ही हैड रिटन नेक्स्ट वी हैव एचटी कॉलरेज साइमल ट्रेलर कॉलरेज 1772 टू 1834 बायोोग्राफी अ लेप्रेरिया 1817 में पब्लिश हुआ है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1798 में ये वर्क इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सैमअल टेलर कॉलरेज के एस टी कॉलरेज के एंड फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क्स ही यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है अगर हम एक एक राइटर्स की बात करेंगे तो दे हैड रिटन अलाट दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट इंग्लिश लिटरेचर बट सबका डिस्क्रिप्शन या सबका मेंशन हम यहाँ पे वीडियो में नहीं कर सकते आपको इन राइटर्स इन पोएट्स से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे आप उनको चेकआउट कर सकते हो उनको देख करके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं क्योंकि मैं वीडियोज इसी अकॉर्डिंग बनाती हूँ सो देट आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप अपने नोट्स जब प्रिपेयर कर लोगे तो देन यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी साइट एन एनी यूट्यूब चैनल कि आप कोई वीडियो वॉच करो गो फॉर योर नोट एंड चेकआउट योर नोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स आपको वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखी है तो आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा मूविंग ऑन टू दोएट ऑफ दिस टाइम एंड लॉर्ड बेरोन वी है एक मॉक uh, पोएम के रूप में जानी जाती है दैट इज एटीन ट्वेंटी फोर में पब्लिश हुई है एंड ऑफ judgment 1822 ka publication hai and romantic era was the era jab poetry was the main zoner of this time and whatever work had been written during the uh, this time by the authors by the poets they had written they had talked about their subjectivity the things that they had faced the things they had they had feeling for the nature these all things were discussed वेरी डीपली बाय द रोमेंटिकज राइटर्स एंड वी हैव द फाइन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कॉलरेज जॉन कीड्स शैले बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इवन सेकेंड फेज के अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो आपका शैले एंड कीड्स इसमें काउंट होते हैं एंड दे आर लाइक अ रेवोल्यूशनरी थाट दे हैव एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड क्योंकि इस एरा के स्टार्टिंग में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो हो चुका था तो उस सब का इफेक्ट इनके पोएट्री पे भी पड़ा एंड दे टॉकड अबाउट नेचर वेरी डीपली एंड वेरी पैशनेटली इन दियोर वर्क्स एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोएट वी हैव ऑफ दिस एरा दैट इज़ पर्सी विशेले एल इज पीवी शैले फ्राम सेवनटीन नाइनटी टू टू एटीन ट्वेंटी टू ये इनका टाइम ड्यूरेशन है एंड प्रोमथीज़ अनबाउंड 1820 में पब्लिश हुआ है एडोनेस 1821 में ये आपका जॉन कीट्स के ऊपर इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है दैट इज एलेजी एंड अदर पोएम्स डिफेंस ऑफ पोएट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है 1820 में लिखी गई है बट पब्लिश हुई है 1840 में एंड ऑल्सो वी हैव अनदर वन दैट इज जॉन कीट्स सेवनटीन टू एटीन ट्वेंटी वन एंड एडोनस जो था वो 1821 में क्योंकि इनकी डेथ हो गई तो उसी ईयर में पीबी शेले ने एलेजी एजी एक, एक, एक इनको प्रेज किया इनको एक ट्रिब्यूट किया विद दैट वर्क दैट वाज एडोनिस एंड जॉन किट्स का जो वर्क है दैट इज़ एंड मेन एटीन एटीन में वर्क है एंड ही हैड रिटन मोस्टली ओड्स ओड वर्क उन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है ओड पोएट्री जिससे रिलेटेड ज़्यादा लिखा हुआ है अपने वर्कस में हाइपेरियन एटीन में लिखी गई है ओड एंड अदर पोएम्स ये इनके इम्पोर्टेंट इसमें ओ टू नाइटिंग ओ टू अटम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्कस जो पोएट्री है उसमें पोएम्स है, है, हैं इस पोएम से ओड एंड अदर पोएम्स में इंक्लूड किए गए हैं एंड नेक्स्ट वी हैव जे नास्टिन इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ दिस टाइम 1775 टू 1817 प्राइड एंड प्रोजूडिस 1797 में ये लिखी गई है सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1797 टू 98 में लिखी गई है मैसफिल पार्क 1814 एंड एमा 1816 में ये इनका जो लिखा गया था ये वर्क है जेन ऑस्टिन का एंड जेन आस्टिन वॉज द फीमेल नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा बिकॉज नो जूरिंग द टाइम ऑफ द रोमांटिक एरा पोएट्री वॉज द मेन जॉनर तो नॉवेल्स वॉज लिटिल विद वॉज डिप्रेस दैट वॉज डिप्रेस एंड दैट वॉज नॉट वेरी मच पॉपुलर इज दिस टाइम बट जेन ऑस्टीन होल्ड प्रोमिनेंट

थ्री में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है एंड चार्ल्स लैम की बात करें 1778 to 1830. Spirit of the East, 1825 में ये वो लिखी गई है द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ 1820 का ये वर्क है दैट वॉज रिटर्न एंड कम्पोज फ्रॉम द

डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर आप चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज़ गो फॉर दैट आल्सो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स इस वीडियोस के इन वीडियोस पे या नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे